वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वैश्विक महामारी कोरोना से जहां पूरा देश परेशान है, वहीं देश में ऑक्सीजन एम्बुलेंस विभिन्न चीज की समस्या उत्पन्न हो रही है। जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत की और लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया, तो वहीं प्रयागराज में भी आम आदमी पार्टी के आह्वान पर आप जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने भी फ्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत पार्टी कार्यालय से झंडा दिखाकर किया। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष संजीव मिश्रा भी उपस्थित हैं। इस टाइम जहां लोगों को चंद कदम की दूरी के लिए एम्बुलेंस मालिकों को 2,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहाँ लोगों को साइकिल व ट्रॉली पर ले जाते हुए देखा गया था। अब देखना है कि आम आदमी पार्टी की ये फ्री एम्बुलेंस सेवा लोगों को कितना प्रभावित करती है। आम आदमी पार्टी ने एक एम्बुलेंस सेवा शुरू किया है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे थे कि प्रयागराज में एकदम लूट मची हुई है। 3-3 किलोमीटर जाने के लिए 4-4, 5-5 हज़ार रुपए एम्बुलेंस मालिक वसूल रहे हैं आम जनता से। तो हम लोग ने ये फैसला लिया है कि हम लोग फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि प्रयागराज की किसी भी जनता को अगर एम्बुलेंस की चाहिए होगी तो हमें वो कॉल कर सकते हैं और हम लोग उनको एम्बुलेंस मुहैया कराएंगे। एक टोल फ्री नंबर भी हम लोग ने जारी किया है, 9935959058। इस नंबर पर प्रयागराज की जनता हम लोगों को कॉल कर सकती है एम्बुलेंस सेवा लेने के लिए। जब सारी सरकारें फेल हो चुकी हैं तो आम जनता निकल के बाहर आ रही है और लोगों को मदद करने की कोशिश कर रही है, उसी क्रम में आम आदमी पार्टी ने भी ये अभियान शुरू किया है। ये अभियान हमारे दिल्ली से प्रारंभ हुआ है, जहां हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय सांसद जी संजय सिंह जी ने ये एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है इलाहाबाद में आज एम्बुलेंस की सेवा प्रारंभ कर रहे हैं और कोशिश करेंगे और भी इसी क्रम में और गाड़ियों को हम लोग ले आएँ, एम्बुलेंस को शामिल करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।